तो कैसे हैं आप लोग? कुछ याद आया ना, बहुतों को याद आया होगा और कुछ अभी भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि कैरी मिनाती है कौन और ये कैरी मिनाती प्रॉब्लम है क्या। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कैरी मिनाती प्रॉब्लम है क्या और कैसे मैंने कैरी मिनाती प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो हुआ कुछ यूँ, कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक भाई साहब हैं जिनको हम लोग प्यार से बुलाते हैं कैरी मिनाती, जिनको रोस्टिंग के अलावा कुछ नहीं आती। सो हमारे जो कैरी भाई साहब हैं उनका यूट्यूब अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और उन्हें एक धमकी भरा ईमेल आया कि हम तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट से कुछ वीडियोस डिलीट करने वाले हैं। अगर तुम अपने वीडियोस बचाना चाहते हो और अपना अकाउंट वापस पाना चाहते हो तो इस पजल को सॉल्व करके 10 मिनट के अंदर हमें भेजो। अगर आंसर सही हुआ तो तुम्हारा यूट्यूब अकाउंट तुम्हें वापस मिल जाएगा और हम तुम्हारे कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, मगर अगर तुमने गलत आंसर दिया तो हम तुम्हारा कंप्लीट यूट्यूब अकाउंट डिलीट करते हैं। बस फिर क्या था, अब कैरी भाई साहब को रोस्टिंग के अलावा कुछ आती नहीं है, उनका दिमाग खराब क्वेश्चन देख करके, पजल उनसे सोल्व हो नहीं रहा था। फिर क्या था, वो परेशान हो गए। फिर उन्हें गुरु जी की याद आई। हाँ, गुरु जी की, नहीं नहीं आप जो सोच रहे हो वो टेक्निकल वाले गुरु जी नहीं, ग्रिप अकेडमी वाले गुरु जी का। फिर क्या था, उसने फटाफट मुझे कॉल लगाया और मुझे फ़ोन पे सारा सिचुएशन बताया। मैंने बोला घबरा मत, क्वेश्चन का फोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे एक मिनट दो, मैं दो मिनट में सॉल्व करके भेजता हूँ। उसने क्वेश्चन का फोटो लिया और फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर दिया। मैंने भी बस दो मिनट के अंदर उस पजल को सोल्व करके और उसे आंसर बता दिया और कैरी ने उन हैकर्स को आंसर भेज दिया। फिर हैकर्स का रिप्लाई आया, आंसर तो सही है बट हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन का वीडियो लेकर हमें भेजो। तो चलिए हम कैरी भाई साहब के लिए सॉल्यूशन का वीडियो बनाते हैं और भेजते हैं उन्हें। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं इस पजल के सॉल्यूशन को रिकॉर्ड करके कैरी भाई को भेजने के लिए। ओके, आप वो पजल स्क्रीन पे देख सकते हैं, सो आप भी ट्राई कीजिए। सो क्वेश्चन के अनुसार, नंबर ऑफ वीडियोज फ्रॉम क्वारंटाइन एंड चिल प्लेलिस्ट एंड आंसरिंग योर क्वेश्चन प्लेलिस्ट एंड रॉन्ग विथ इंडियन स्कूल प्लेलिस्ट इज 29। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ वीडियो फ्रॉम आंसरिंग योर क्वेश्चन प्लेलिस्ट रॉन्ग विथ इंडियन स्कूल प्लेलिस्ट एंड इंडियन रैप प्लेलिस्ट इज 31। टोटल नंबर ऑफ वीडियो फ्रॉम क्वारंटीन एंड चिल प्लेलिस्ट एंड इंडियन रैप प्लेलिस्ट इज 18। सो चलिए पहले हम लोग जो प्लेलिस्ट का नाम है उसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स एज्यूम क्वारंटीन एंड चिल प्लेलिस्ट एज क्यू। ओके, देन answering your question playlist as A and wrong with Indian school playlist as W. okay, and yeah, one more playlist is there, that is Indian rap playlist. So let's take Indian rap playlist as I. Okay, so according to question from condition 1, Q plus, that is number of videos related from quarantine and chill playlist, Q plus answering your question plus A plus wrong with Indian school playlist, that is W, is equal to 29. This is your first equation. Okay, then from case 2, let's convert case 2 in the form of equation. Answering your question playlist, that is A plus wrong with Indian school playlist, that is W, plus Indian rap playlist, that is I, is equal to 31. So this is your equation 2. Okay, then third condition. So let's convert third condition into equation. Total number of videos dated from quarantine and chill playlist, that is Q, plus Indian rap playlist, that is I, is equal to 18. Okay, हमें quarantine and chill playlist से कितने videos को select किया गया है delete करने के लिए वो निकालना है. It means हमें Q निकालना है. So चलिए Q find करते हैं.
वी हैव टू फाइंड क्यू। ओके नाउ हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है, और ये भी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? चार। और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? सिर्फ तीन। सो बट एक चीज़ हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ए प्लस डब्ल्यू यहाँ पे भी है और ए प्लस डब्ल्यू यहाँ पे भी है। ओके अगर हम इस ए प्लस डब्ल्यू को क्यू के टर्म में कन्वर्ट कर दें और ए प्लस डब्ल्यू को रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन भी क्यू और आई के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट। सो चलिए कन्वर्ट करते हैं। सो वी कैन राइट इक्वेशन वन एज ए प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 29, this q will come this side, it will become minus q. So चलिए इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन लेते हैं, थ्री इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन लेते हैं। ओके नाउ इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, दिस a प्लस डब्ल्यू को यहाँ, a प्लस डब्ल्यू का जो वैल्यू है 29 माइनस क्यू, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। सो पुटिंग इक्वेशन वन इन इक्वेशन फोर इन इक्वेशन टू, सो व्हाट वी विल गेट 29 माइनस क्यू ए प्लस डब्ल्यू इज 29 माइनस क्यू प्लस आई इक्वल्स टू हाउ मच 31। माइनस क्यू प्लस आई बराबर कितना हो जाएगा 31 माइनस 29 हाउ मच 2। सो माइनस क्यू प्लस आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है आई प्लस क्यू में, यहाँ पे भी आई प्लस क्यू में हमारे पास इक्वेशन है। सो दिस लेट्स टेक, चलिए इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 5 लिखते हैं और इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे लिखते हैं। सो क्यू प्लस आई इक्वल टू 18। ओके दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। क्यू और आई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि यहाँ क्यू का साइन जो है दोनों इक्वेशन में अलग अलग है, तो ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा। और जैसे ही हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा तो उस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकाल करके और किसी एक इक्वेशन में पुट करके और क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो माइनस क्यू क्यू विल गेट कैंसिल्ड, यू विल नॉट गेट एनीथिंग 0। एंड आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i के बराबर हो जाएगा। एंड 2 प्लस 18 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सो आई इक्वल्स टू 20, 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर, 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 20 बाई 2 कितना हो जाएगा 10। तो चलिए आई का वैल्यू तो हमें पता चल गया, क्यू निकालते हैं। तो पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन में। सो आई का वैल्यू हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू प्लस 10 इक्वल्स टू 18। सो फाइनली क्यू इक्वल्स टू 18, 10 विल कम दिस साइड, 10 इस साइड आएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा। तो 18 माइनस 10 दैट इज 8 आंसर। सो नंबर ऑफ वीडियोज दैट दे हैव सेलेक्टेड फ्रॉम द क्वारंटीन एंड चिल प्लेलिस्ट इज 8। सो उन्होंने 8 वीडियोज क्वारंटीन एंड चिल प्लेलिस्ट से डिलीट करने के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग कैरी भाई को फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं तो चला, बट आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन को ऐसा क्लिक कीजिएगा कि वो कभी दोबारा से रीड ना हो, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद। ओके तो अब आप पूछ रहे होंगे धन्यवाद किस लिए, तो धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आपने आज हमारे साथ सीखा है। तो ये स्टोरी जो है ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी सिर्फ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है ताकि आप सीरियस होकर इस प्रॉब्लम को देख सकें और कैसे सोल्व करते हैं उसे सीख सकें।